गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस एक्सरसाइज ऑन 104 पेज. ओके, इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें कैलकुलेट करना है अ पेंसिल बॉक्स किसके इक्वल है. हाउ मैनी स्ट्रॉबेरीज, हाउ मैनी स्ट्रॉबेरीज आ रही है, 3. यू हैव टू राइट डाउन 3. अ वाटर मेलन डैश मैंगोज, अब कितने मैंगोज हैं वो आपको काउंट करना है, 1, 2, 3, 4 and 5. तो यहाँ पे आप 5 मैंगोज दिख देंगे. अ वाटर बॉटल इक्वल टू डैश बुक्स, एक जो वाटर बॉटल है वो कितने नोटबुक्स के बराबर है. तो यहाँ पे कितनी बुक्स हैं, यहाँ पे आपको 3 बुक्स नज़र आ रही हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 बुक्स लिख सकते हैं. ठीक है, इसमें मैंने ये थर्ड एंड फोर्थ ये आपको खुद करना है, इसलिए मैंने फिफ्थ करा दिया है. अब सिक्स्थ वाला, अ बकेट, 1 bucket इज इक्वल टू डैश बॉटल्स, हाउ मेनी बॉटल्स आ दें, 4 bottles. तो 4 यहाँ पे आपको बॉटल्स जो हैं वो लिखनी है. ठीक है, बाकी थर्ड एंड फोर्थ वाला ये आप खुद करेंगे, बहुत ईजी है. जस्ट आपको पिक्चर देखना है और आपको लिखना है, इसीलिए आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करा रही हूँ. ठीक है, द इरेजर इज़ एज हैवी As 2 पेंसिल, जो एक इरेजर है यहाँ पे 2 पेंसिल्स हैं, इसके जितना हैवी है. ठीक है, अ बुक इज़ एज हैवी एज डैश क्ले बॉल्स, अब यहाँ पे कितनी क्ले बॉल्स हैं ये आपको चेक करना है और लिखना है, ये चीज़ आप खुद करेंगे. ठीक है, एप्पल इज़ एज हैवी एज डैश प्लम्स, अब यहाँ पे कितने प्लम्स हैं, 2 प्लम्स हैं, यानी कि ये एप्पल, एक एप्पल 2 प्लम्स के बराबर है. अ पेस्ट्री इज़ एज हैवी एज डैश मफिन्स, अब ये मफिन्स आपको काउंट करनी है, यहाँ पे लिखनी है, ये आप खुद करेंगे, बहुत ईजी है, आराम से आपको जस्ट काउंट करना है और लिखना है. ठीक है, और ये वाला जो वर्क है मैंने आपको कल भी जूम क्लास में कराया था और समझाया था कैपेसिटी क्या होती है, यानी किसी भी बर्तन को, जैसे ये जग है, अगर इस जग में जितना पानी आ सकता है वो इसकी कैपेसिटी है, जो जितना पानी ये होल्ड कर रहा है. ठीक है, अगर इससे ज़्यादा डालेंगे तो क्या होगा, पानी आसपास बिखर जाएगा. तो यानी कि इस जग में सिर्फ इस जग के जितना ही हम पानी डाल सकते हैं, ये इसकी कैपेसिटी है. ये मग्स हैं, मग्स में सिर्फ इतना ही पानी आ सकता है, इससे ज़्यादा डालेंगे तो गिर जाएगा. तो एक मग की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि उसमें कितना आ जाए लिक्विड, वो उसका वॉल्यूम या हम कैपेसिटी, दोनों चीज़ हम कह सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे बताया हुआ है कि एक जो बाउल है वो 3 जो स्मॉल बाउल के बराबर हैं. तो 2 बाउल जो है ना, कितने बाउल्स के बराबर होंगे, कितने स्मॉल बाउल्स के, यहाँ पे मैंने 3 को काटा क्योंकि एक जो है वो 3 के बराबर है, तो मैंने 3 काटा. अब ये दूसरा जला वाला बाउल है, ये भी 3 के बराबर है, तो यानी 6 कटेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे 3 बाउल्स दिए हुए हैं, तो 3 बाउल्स कितने के बराबर हुए, मैंने यहाँ पे पहले 3 काटा, फिर मैंने यहाँ पे ये 3 काटे हैं, और उसके बाद ये वाले मैंने 3 काट दिए हैं. तो दैट मीन्स ये 3 हमारे बाउल जो हैं वो कट गए हैं. ओके, इस टाइप से आप इनको कर सकते हैं. नेक्स्ट पेज में भी आपका इसी टाइप से दिया हुआ है, 1 mug इज इक्वल टू अ 2 glass, एक मग जो है 2 glass के बराबर है. तो ये वाला मग है, मैंने 2 glasses काटे, इस वाले मग के लिए मैंने 2 glasses काटे. ठीक है, तो ये बाकी बच गए. ऐसे ही यहाँ पे 3 जग्स हैं, मैंने फर्स्ट जग लिया, 2 glasses काटे, सेकंड जग लिया मैंने, 2 glasses काटे, थर्ड जग लिया मैंने, 2 glasses काट दिए. इस टाइप से आप कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे 4 जग्स हैं, तो फर्स्ट आपने एक जग के लिए मैंने 2 glasses काट दिए, सेकंड जग के लिए 2 glasses, थर्ड के लिए अगेन 2, एंड लास्ट वन इज़ अगेन 2. ओके, लाइक दैट यू कैन डू इट. सेम आपको डी वाला पार्ट जो है ये आपको खुद करना है. यू हैव टू कट दीज ग्लासेस अकॉर्डिंग टू द जग. ओके, नाउ वी आर जस्ट चेक, दिस इज़ अ एक्टिविटी, एंड ये आपको एक्टिविटी थोड़ा सा कर भी सकते हो, इसकी आप वीडियो सेंड कर सकते हैं मुझे. ठीक है, अ स्पून होल्स मोर देन अ बकेट, यहाँ पे आया है अ स्पून होल्स मोर वाटर देन अ बकेट, ट्रू या फॉल्स हमें बताना है. क्या एक स्पून जो है वो बकेट से ज़्यादा बॉटल होल्ड, पानी होल्ड कर सकती है? नहीं. ठीक है, अ बकेट होल्ड्स मोर वाटर देन अ मग, यस, है ना, ट्रू, क्योंकि बकेट के अंदर जग से ज़्यादा हमें पानी हम डाल सकते हैं. अ बाउल होल्ड्स लेस वाटर देन अ स्पून, नो, फॉल्स, क्योंकि बाउल जो है लेस नहीं, मोर होल्ड करती है स्पून से. एक स्पून में तो थोड़ा ही पानी आता है, बट इन बाउल the capacity of holding the water is more than the spoon. Okay, a bucket holds less water than a water tank, yes, true.
ट्रू कि बकेट जो है उसके अंदर कम कैपेसिटी होती है वाटर टैंक के मुकाबले कि वो पानी होल्ड कर सके. ओके नाउ एस्टिमेट इज एन इम्पॉर्टेंट स्केल. एक एस्टिमेट जो होता है इम्पॉर्टेंट स्केल होता है, हम लगभग हम एक बार चेक कर लेते हैं आंखों से देख के कि इतना इसमें आ सकता है या नहीं आ सकता. लेट अस प्रैक्टिस द बिल्ट इट. अब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे कि हम इसको बिल्ट करें. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एज्यूम. सबसे पहले आपको एस्टिमेट लगाना है. ये आपको बिना काउंट किए आप कर सकते हैं. ठीक है, एस्टिमेट आपको अपने थिंकिंग के थ्रू लगाना है कि कितना आएगा. ओके, हाउ मैनी सर्विंग स्पूंस ऑफ वाटर विल फिल अ ग्लास. एक ग्लास के अंदर एक सर्विंग जो स्पून होती है, सर्विंग स्पून चम्मच को नहीं कहेंगे, जिससे कि या चमचे को कहेंगे हम. चमचा जो होता है आपके घर में जिसमें उनकी मम्मी खाना बनाती है, आप वो चमचा लीजिए और उससे चेक कीजिए कि कितने चमचा पानी जो है एक ग्लास को फिल करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप एस्टिमेट लगाइए. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एस्टिमेट दैट कि 5 से भर जाएगा या 3 से भर जाएगा. मैंने जैसे एस्टिमेट लगाया 5 से, और उसके बाद आई विल ट्राई. ठीक है, मैंने एक ग्लास लिया और एक जो है चमचा लिया मैंने, उसके बाद मैंने उससे फिल करके देखा कि वो 5 से भी भर रहा है या 6 से भर रहा है या 7 से. तो मे बी वो 6 से भर जाएगा. तो मैंने यहाँ पे 6 जो है वो आई मेजर्ड यानी आपने मेजर खुद किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप यू हैव टू एज्यूम कि इतना हो जाएगा और उसके बाद मेजर करके आपको यहाँ लिखना है. ठीक है, लाइक दैट यू हैव टू कम्प्लीट दिस एक्सरसाइज. अब देखिए कि आपको क्या करना है. हाउ मैनी ग्लासेज ऑफ वाटर विल फिल अप अ जग. एक जग को फिल करने के लिए कितने ग्लास ऑफ वाटर चाहिए. एस्टिमेट लगाइए कि मैंने कह दिया कि एक जो जग है वो 3 से भर जाएगा. एंड आई मेजर दैट इट इज़ फिल विथ 4 ग्लास ऑफ वाटर. ओके, हाउ मैनी मग्स ऑफ वाटर विल फिल अ बकेट. कितने मग जो पानी है वो बकेट को फिल करेगा. आई मेजर इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली द 20 बट इट इज़ 25. ओके, लाइक दैट यू हैव टू कम्प्लीट द D1. हाउ मैनी ग्लासेज ऑफ वाटर विल फिल अप योर टमी. टमी मीन्स योर स्टमक. आप एस्टिमेट लगाइए एक ग्लास ऑफ वाटर, बट यू कैन ड्रिंक द 2 ग्लास ऑफ वाटर कंटिन्यूसली. ओके, लाइक दैट. एंड दिस इज द लास्ट वन. ओके, ट्रू एंड फॉल्स आपको करना है. इसके नीचे एक और एक्सरसाइज है, वो आपको नहीं करनी है, यही वाला करना है. ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग. ओके, योर वाटर बॉटल कैन होल्ड मोर वाटर देन अ बकेट. कि आपकी जो वाटर बॉटल है वो कितना जो पानी है बकेट से फिल कर सकती है. ये आपको एक्टिविटी आप कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आप करके देख सकते हैं. मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार. ठीक है, इसमें बोला है योर वाटर बॉटल कैन होल्ड मोर वाटर देन अ बकेट. येस और नो, आप बताइए जो आपकी वाटर बॉटल है क्या वो बकेट से ज़्यादा पानी होल्ड कर सकती हैं. फॉल्स है ना, ये तो चीज़ होती हो नहीं सकती है. कॉफ़ी मग कैन होल्ड एज मच कॉफ़ी एज अ स्पून. येस ट्रू, क्योंकि कॉफ़ी स्पून से ज़्यादा जो है कॉफ़ी मग में पानी आ सकता है. ठीक है, एज मच एज, एक मिनट, अ कॉफ़ी मग कैन होल्ड एज मच कॉफ़ी एज स्पून. नहीं, फॉल्स, सॉरी, इसका आंसर फॉल्स आएगा. ठीक है, कि कॉफ़ी मग जो है स्पून के जितना कॉफ़ी नहीं होल्ड करती है, उससे मोर होल्ड करती है. ठीक है, और जो फर्स्ट वाला है, एक मिनट, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन. योर वाटर बॉटल कैन होल्ड मोर वाटर देन अ बकेट. नो, इसका आएगा फॉल्स. ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो वाटर बॉटल है वो जो है क्या कहते हैं, वाटर बॉटल जो है बकेट्स के जितना पानी होल्ड नहीं करती है. ठीक है, मोर होल्ड करती है वो. ठीक है, तो बकेट जो है मोर होल्ड करती है, वाटर बॉटल कम. अ कॉफ़ी मग कैन होल्ड एज मच कॉफ़ी एज स्पून. नहीं, इसका भी आंसर फॉल्स ही आएगा. फिल इन द ब्लैंक्स. टू थिंग्स दैट कैन होल्ड मोर जूस देन अ ग्लास आर. ठीक है, इसका आंसर आएगा जग, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड बॉटल. ठीक है, ये चीज आप दो चीज इसमें लिख सकते हैं, जग एंड बॉटल. ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीजें जो हैं वो एक ग्लास से ज्यादा होल्ड करती है. टू थिंग्स दैट कैन होल्ड लेस सॉस देन अ बॉटल ऑफ टोमेटो केचप.
आर डैश, तो यहाँ पे आप स्पून एंड स्मॉल स्मॉल बॉल लिख सकते हो, स्पून लिख सकते हो और यहाँ पे स्मॉल बाउल लिख सकते हो, ठीक है। अगला है कि टू थिंग्स दैट कैन होल्ड एज इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर आर, दो चीज़ें जो समान रूप से पानी होल्ड करेंगी, तो दो ग्लासेस ही करेंगे, तो यहाँ पे ग्लास कर सकते हो या दो जग लिख सकते हो आप, क्योंकि दो जग इक्वल ही होल्ड करेंगे, है ना। आप एक ग्लास में पानी फिल आपने कर रखा है, दूसरे ग्लास में अगर आप डालोगे तो क्या होगा, दोनों ग्लासेस में पानी सेम ही आएगा ना, तो वैसे ही तो यहाँ पे दोनों में ग्लासेस आएगा या दोनों में जग आ सकता है। ओके, तो ये आपका वर्क है, यहीं तक है, तो आप ये वर्क करके आप सेंड कीजिएगा। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।